Yo, my name is Bittu and it's been an honor to introduce to you the Spy Universe first ever agent Tiger, who gives heart and soul to his nation on every occasion. But when he meets a girl approx 20 years younger than him, said to say rato raat, our Tiger leaves his duty and decide to go for a Pakistani pussy. पुसी कैट कैटरीना गलत मत समझना। यस हो जाता है, कोई बात ना, बॉलीवुड मूवीज में प्यार की इम्पोर्टेंस नहीं जानते क्या तुम? सो एक्सेप्ट द फैक्ट आवर टाइगर बिकम्स अ पुसी लवर मोर देन अ नेशन लवर। सो गेट रेडी माई बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ इंडियन रॉ एजेंट, सॉरी मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पाई यूनिवर्स का इंडियन रॉ एजेंट टाइगर, जो एकदम सच्चा देशभक्त है अंटिल अ कैट कम्स इन हिज लाइफ। फिर जिन रॉ डिपार्टमेंट्स वालों को अपने इस टाइगर पे इतना फक्र था, नाउ दे नो द रियलिटी दैट ही इज ए पुसी डिगर टाइगर। चलो शुरू से शुरू करते हैं, से माय नेम एंड लेट्स गो। टाइगर का रिफ्लेक्शन इसी शीशे में दिख गया, बट न लेफ्ट न राइट कहीं नहीं है। अरे कोई बात ना, यू ही थोड़ी ओवर एक्टिंग कर ले। और ये सब्जी वाला तो अपनी सब्जियां छोड़ के ऐसे भगा कि बस मेरा तो इतना ही रोल था, मार दिया टमाटर। फिर इसके इतनी दूर भगने के बाद भी इसका बिना पीछा करे टाइगर इससे पहले ही वहां पहुंच गया। एंड किसी के झूठे बच्चे सिगरेट्स के पीछे से ऐसे कौन एंट्री लेता है यार? क्या भाई ब्रांडिंग गलत हो रही है तुम्हारी? रॉ एजेंट का रोल कर रहे हो या कैंसर का? पहले का जमाना सही था जब अपना हीरो लाल फूलों के पीछे से अपनी एंट्री लेता था, पर अब घोर कलयुग सिगरेट के बचे हुए सुट्टों के पीछे से ही स्वैग दिखाया जा रहा है। और टाइगर इस देशद्रोही को अपने साथ में चलने की बोलने पर ये तो ऐसे शर्मा के मना करने लग गया जैसे तो ये इसको लौंडियाबाजी के लिए बुला रहा है। मैं नहीं आने वाला टाइगर, मैं नहीं आऊंगा साथ में, मैं कह रहा हूं मैं नहीं आने वाला। जिंदा या मुर्दा। इतनी देर में इसके साथी भी आ गए। नाउ द रियल एक्शन स्टार्ट्स। ये इतनी ऊंचाई से कूद के आराम से निकल लिया। अबे तू टाइगर है कि कंगारू? और इस बेचारे इनोसेंट ड्राइवर के कान के बेस ही गांड में बज गए होंगे। पूरी पिक्चर में ये ऐसे ही कूद रहा है। भैया टाइटल का तो श्योर है ना तुम्हें, एक था टाइगर और इज इट एक था कंगारू। टाइगर इनसे भग के निकल लिया, बट उसको तो ये अपने साथ में लेके चलने वाला था, जिंदा या मुर्दा। पर वो तो उधर ही पड़ा है, उसकी अंतरात्मा लेके चल दिया क्या? खैर ये टाइगर सिर्फ अपने मिशन पे ही कूल नहीं है, ये अपने मोहल्ले का भी कूल डेसिंग प्लेबॉय है। देखो दूध लेते देख भी इसको अंटिया कैसे घूरती है। हाँ बस अंटिया ही, क्योंकि इनकी बेटी की उम्र की लड़की तो इसे कद्दू बोलती है। कद्दू? ये एक रॉ एजेंट है, पर इसकी काबिलियत सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये मल्टी टैलेंटेड है। ये बहुत तगड़ा पेंटर है, डांसर है, सिंगर है, ड्राइवर का तो पता ही है, यहाँ तक कि ये बहुत अच्छा कुक भी है, काली दाल बहुत अच्छी बनाता है। ओहो हो, ये तो बहुत ज्यादा आयरनी टाइप कुछ हो गई भाई साहब। पहले तो ये बोलेंगे बींग ह्यूमन, फिर अपनी मूवी में इंसान होके बिना बात कार्निवोरस एनिमल टाइगर बनेंगे, ऊपर से टाइगर होके वेजिटेरियन काली दाल और बनाएंगे। अरे एक साइड तो होले भाई। और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जो टाइगर सलमान खान बिना त्योहार ही मजे में काला हिरन मार देता है, तुम्हें क्या लगता है वो प्राणी ये सिंपल सोबर काली दाल में धाप जाएगा? आई डोंट थिंक सो, मुलायम घोस्ट चमड़ी के बिना भूख ना मिटेगी। सो टाइगर गोज टू हिज नेक्स्ट मिशन, टॉप सीक्रेट मिशन है, एक साइंटिस्ट पे नजर रखना है कि वो दुश्मनों के साथ कोई डील तो नहीं करता। तो सलमान बीइंग सलमान एज ए प्रोफेशनल स्पाई उसी साइंटिस्ट के बगल में साइकिल चलाते हुए नजर रख रहा है, कॉलेज के सामने ही बेंच पे बैठ गया, इंतजार कर रहा है उसकी छुट्टी का। यहाँ तक कि ये इतना तगड़ा चैड सैवेज जासूस है कि उसके घर में घुस के सीधा, मैं आपके साथ जितना वक्त गुजार सकूं उतना अच्छा होगा, सुबह को नोट्स बना रहे हो तो मैं आपके बगल में हूं, फिर आप जब कॉलेज जा रहे हो सर आपके साथ जो अपने घर वापस आते हैं तो आपके घर में आके हम बात कर सके। सर जस्ट ऑब्जर्व यू एंड बी अराउंड यू सर, कांस्टेंट कंपेनियन। बस यही तो खासियत होती है अपने स्पाई यूनिवर्स के एजेंट्स की कि ये टॉम क्रूज, इथन लर्न, जेम्स बॉन्ड की तरह बातें नहीं गूंजते। पर ये भी इसके शुरू के ही एक दो दिन के चोचले हैं, बस शुरू में इस पे नजर रखा, बाद में भाड़ में गया बुड्ढा और इसकी रिसर्च। कैटरीना कैफ द्वारा अपने मुंह लगाने के बाद तो भूल ही गया ये इस बुड्ढे को और अपने मिशन को। नहीं सीरियसली मजाक ही हो रहा है इधर तो, अपना ये होनहार स्पाई एजेंट इस साइंटिस्ट पे नजर रखने आया था, पर अब देखो सरकार के पैसों से इसके साथ तंगड़ी कबाब खा रहा है। उधर देश की सिक्योरिटी खतरे में है, ये इंतजार कर रहा है कि जल्दी टाइगर खबर लाके देगा साइंटिस्ट की। बट मीनवाइल टाइगर री नहीं तंग तंगड़ी री री तंगड़ी तंगड़ी। फिर एक रात टूटता हुआ तारा दिखा के फाइनली नो 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 नॉट सो फास्ट टाइगर, फिजिक्स के नियमों को ही आप चूतिया बना सकते हैं, कैटरीना को नहीं। रात को पाइप से चढ़कर अंदर आने से पहले ये इससे 100 यूरोज मांगती है। 100 यूरोज आप करती क्या है? कम ऑन सल्लू ब्रो, कम ऑन, यू कैन डू बेटर देन दैट। अब भी नहीं सुधरे तो कब? आपको भी पता है बेचारी कमरे का किराया मांग रही है।
ना सम बिना फालतू का एक्शन जबरदस्ती भिड़ गया, फिर फालतू में भग रहा है। और इसके दुश्मन भी टाइगर का नेचर अच्छे से जानते हैं कि इनका गुस्सा बहुत खराब है, इसलिए ये निहत्ते टाइगर से भी डर के भगता है, खुद के पास गन होने के बावजूद। अब तो मानते हो बाप है बॉलीवुड का, इतनी रेस्पेक्ट तो सिर्फ सलमान खान को ही दी जा सकती है। फिर ट्रेन के कांच को ऐसे टेम्पर ग्लास जैसे तोड़ रहे हैं। सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए टाइगर ने पूरे शहर में कलेश मचा दिया, पर एंड में पकड़ में भी नहीं आया क्योंकि ब्रेक फेल हो गया, जो किसी ने भी नहीं किया, आज से पहले कभी नहीं हुआ, पर अब हो गया। जरूरी है तुम भी जानते हो, पब्लिक व्हीकल में लड़ते वक्त ड्राइवर बेहोश और ब्रेक फेल ना हुआ तो मजा ही क्या, इम्पोर्टेंट फॉर एक्शन। कोर्ट की मदद से रोक दिया पूरा इंजन। वैसे ये सब सभ्य हरकतों में नहीं आती, पर कोई बात ना। फिर वही कोर्ट सबके सामने स्टाइल मार के स्लो मोशन में पहन लिए। बाद में बिहाइंड द सीन कोने में जाके झाड़ रहा है, क्योंकि डस्ट भी बाद में ही आई है इसमें। तो कैटरीना का भी अब असली फेस सामने आ जाता है, जो अभी थोड़ी देर पहले तो प्ले में थी, अभी इधर कैसे पहुंच गई, नोबडी नोज, डबल रोल। नाउ सी हैज टू ऑप्शन, पाकिस्तान की सारी इंफॉर्मेशन दे दे या मर ले। मैं अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगी। अरे वाह, दिल जीत लिया इसने तो, गद्दारी नहीं करेगी अपने देश से, पर टाइगर ने कर ली इसको जिंदा छोड़ के। ये मरने के लिए तैयार है, पर मारने के लिए नहीं है ये, बल्कि सच्चाई जानने के बाद भी एक होप है इसमें कि तेरी आंखों में जो मैंने देखा क्या वो सच था। अबे चल, मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। फिर भी छोड़ दिया ये इसको, अब इससे जिया नहीं जा रहा उसके बगैर, दूसरे मिशन पे भी नहीं जा रहा। सो फाइनली ही कंट्रोल हिमसेल्फ एंड कम टू अ कंक्लूजन। अब भाग चलते हैं जोया, दिमाग खराब है तेरा, खास बातें मत करो। बस फिर क्या, सलमान खान के साथ मूवी कर रही है तो बात तो माननी पड़ेगी इसकी। भग लिए दोनों और अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी निकाल ली इसने अपने सबसे बड़े दुश्मन देश के एजेंट के साथ, बाकी का जीवन व्यापन करने के लिए। कितना अच्छा मैसेज दिया जा रहा है इसमें, कुछ सीखो इससे। इधर इनका भी दिमाग खराब हो रहा है, पूरे 201 मुल्क में से पाकिस्तानी छोरी मिली उस गधे को। अरे सर, इसे क्या तुम्हारे वो पठान को भी पाकिस्तानी लड़की मिली? आपके स्पाई यूनिवर्स के एजेंट से एकदम बेस्ट है, मेहनती होशियार, बस तुम उनको पाकिस्तानी छोरियों से दूर रखो यार, वो उनकी कमजोरी है। फिर क्या फायदा ऐसे रॉ एजेंट का जो पाकिस्तानी लड़की देखते ही देशभक्ति छोड़ के आशिकी करने लग जाए। जाने से पहले पठान का वीडियो भी जरूर देखना चैनल पे। उधर वो टाइगर को ढूंढ रहे हैं और इधर ये क्यूबा में बुड्ढों के साथ जुआबाजी कर रहा है, और तो और ये वाला गाना गा के उनके मजे भी ले रहा है। ले बेटा, लगा लिया उन्होंने तेरा पता, और जोर से चिल्ला, पकड़ लिए जोया को। तो जो रॉ वाले टाइगर को पकड़ने आए थे, ये उन्हीं को जोया को बचाने के लिए मना लिया कि भाई वो अपनी ही टीम ज्वाइन कर लेगी, सबको देने के लिए भी तैयार है इन्फॉर्मेशन, आजा बचा लेते हैं उसे। फिर जो टाइगर को पकड़ने आए थे अब उसी की मदद कर रहे हैं उसकी प्रेमिका बचाने में। बचाने के बाद फिर से धोखा दे दिया इसने उनको। और ये पता नहीं कहां से टेलीपोर्ट होके आ गए, पीछे तो ना कार है ना रोड, बहुत बुरी एडिटिंग। बिना मतलब का एक्शन दिखा रहा है टाइगर, खुद भी इसके साथ प्लेन में बैठ के जा सकता था, कौन सा ब्लास्ट करके रोक दिया, बराबर तो आ गए ये इसके। और ये एंड के जंप के लिए तो स्पेशली स्लोप बनाई गई थी टेक ऑफ प्लेटफॉर्म के बीचों बीच। नाउ नेक्स्ट पार्ट, टाइगर जिंदा है। हाँ, अपने फिल्म टाइटल से ही फुटपाथ पे सोने वाले लोगों की नींद उड़ा दो, टाइगर जिंदा है। हा। या एजुअली सलमान खान शो ऑफ कर रहा है अपने टाइटल से ही कि मूवी में इतने कुवत करने के बाद भी जिंदा है, लाइक पूरी आर्मी के सामने मशीन गन लेके ओपनली नंगा खड़ा होके गोलियां चलाता हुआ सबको मार दिया, स्टिल टाइगर जिंदा है। वेल डन, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो, क्या तुमने कभी मरना नहीं है? क्या तुमने अपने रब को जवाब नहीं देना? किस बात की अकड़ है तुम्हें? हाँ, कुछ सालों का टाइम जंप लेके बताते हैं कि इन दोनों का बच्चा हो गया, जो इंडियन कहलाएगा या पाकिस्तानी पता नहीं, एलओसी बोल दो साले को। इस मूवी में इनका डायलॉग है कि शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। यस, बस फर्क इतना है आप दोनों में कि टाइगर अच्छा शिकार करे या बुरा उसका क्रेडिट खुद ही लेता है, ड्राइवर को नहीं देता। और इनका ये डायलॉग भी आउट ऑफ नोवेयर आ रहा है, लाइक किसी ने नहीं पूछा इनसे कि टाइगर कैसा शिकार करता है वगैरह, कुछ नहीं, बस यूं ही बोल दिया। तो एक तरफ तो इसके पापा की ऐसी एक्शन वाली एंट्री हुई और दूसरी तरफ इसकी मम्मी की कैसी एंट्री हुई, आलू छाटते हुए। मजाक, गुस्सा नहीं, इसका भी एक्शन है। ये सिर्फ आलू छाटने में ही नहीं, निशाने में भी बहुत तेज है। इसकी आंखें इतनी तेज और नॉन बैलेंस्ड हैं कि दोनों आंखें खोल के होलों से निशाना लगा रही है। वाह कैटरीना। ऐसे एक्शन करने से पहले कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के ही थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते, फिर कम से कम इतना बड़ा पाप तो नहीं होता। ओ बस इतना ही है, यही खत्म करते हैं। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब, बाकी वीडियोस भी जरूर देख लेना, कमेंट योर व्यूज अबाउट दिस वीडियो, आई एम वेटिंग। नए हो चैनल पे तो न्यू लिख देना, एंड थैंक यू, बाय बाय।